स्पिरिचुअलिटी का मतलब लोगों के लिए कुछ अलग ही है। स्पिरिचुअलिटी का मतलब लोगों को लगता है इसको जीवन में कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं कर पाए, इसलिए राम राम कर रहे हैं, इसलिए स्पिरिचुअल बन गए, या कुछ कर नहीं पाए तो स्पिरिचुअल बन जाते हैं, साधु संत बन जाते हैं। पर यह मतलब कुछ डिफरेंट नहीं है, क्योंकि एक बात है कि स्पिरिचुअल जब आप पुथियों के ग्रंथों की पढ़ाई करोगे, उसे समझोगे और उसको अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करोगे, एक्सपेरिमेंट करोगे। ऐसा नहीं है कि किसी ने बोल दिया और हमने सुन लिया और हमने बिलीव कर लिया। एक्सपेरिमेंट करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर हम किसी की बात सुनते हैं, समझते हैं, किसी को फॉलो करते हैं, तो हमारे लिए बहुत उचित है कि हम उसे एक्सपेरिमेंट करें, देखें। क्योंकि ये जो लॉजिकल माइंड है, ब्लाइंडली तो हर चीज़ मान नहीं लेती है। तो मान कब लेंगे? जब हम एक्सपेरिमेंट करेंगे, जब हम खुद को समझाएंगे कि हाँ सही है क्या, गलत क्या, और उसको करके देखेंगे, परखेंगे। तो मैं जब अपने लाइफ में मेडिटेशन स्टार्ट की, कुछ दिनों के बाद मुझे काफ़ी रिलैक्स फील होने लगा, अच्छा लगने लगा। तो मुझे लगा ठीक है, कर सकते हैं। ऐसा तो कुछ नहीं है कि सांझ के टाइम पे, शाम के टाइम पे आधा घंटा बैठ गए, आंख बंद करके शांत करने की कोशिश की है, अच्छे म्यूज़िक लगा के ओम नमः शिवाय का चैंटिंग करने की कोशिश की है। शुरू शुरू में इतना आसान नहीं होता है, लेकिन बैठते थे तो अच्छा लगता था। तो जैसे जैसे आपको अच्छा लगने लगेगा तो आप वो काम करते रहेंगे, राइट? स्पिरिचुअलिटी आर्ट ऑफ लिविंग कह सकते हैं। किस तरह से जीना चाहिए, कैसे जीना चाहिए, माइंड का जो क्लाउड माइंड में जमा हो जाते हैं ना, वो हट जाना होता है, तो क्लियर होता है विजन, मिशन। कंफ्यूजन जो रहते हैं ना, उससे भी छुटकारा मिलती है, समझ में आने लगता है कि क्या सच है और क्या इल्यूशन। तो जब आप सच और झूठ में फ़र्क करना सीख जाते हो तो लाइफ क्या होती है, डिफ़िकल्ट या स्मूथ? जब कोई टेंशन्स आपके लाइफ में आना होता है, जैसे सबके लाइफ में आते हैं, और आप तैयार रहते हो उस टेंशन्स का मुकाबला करने, उस सिचुएशन का मुकाबला करने, तो क्या होता है, आप स्ट्रांग बनते हो। तो आप जब स्ट्रांग बनते हो, जब सब कुछ क्लियर होता है, जब ये आपको एक अंधेरे में रोशनी का काम करते हैं, इनर वर्ल्ड जो हमारे यूनिवर्स में है, आउटर वर्ल्ड जो हम बाहर के आँखों से देखते हैं, और इनर वर्ल्ड जो हम पेनियल ग्लैंड कहते हैं, यहाँ पे होते हैं त्रिनेत्र, अंदर के आँखों से देखते हैं। तो जब हम अंदर के आँखों से देखना सीख जाते हैं तो हमारे लिए यूनिवर्स क्या हो जाता है, इन्फिनिट, एटर्नल, लिमिटेड नहीं रहते हैं। अनलिमिटेड थॉट आ सकती है, अनलिमिटेड अच्छी सोच आ सकती है, और जिसके कारण हम कुछ बड़ा काम कर सकते हैं। तो ये स्पिरिचुअलिटी कब से होना चाहिए? ऐसा नहीं है कि स्पिरिचुअल बनने के लिए आपको साधु संत बन जाना है, पहाड़ों में चले जाना है, बस वैराग्य लेना है, ऐसा कुछ नहीं है। नेचुरल नॉर्मल लाइफ में रहिए, पढ़ाई कीजिए, नॉलेज लीजिए, जो सही ज्ञान है उसको समझिए, उसको लीजिए, अपने बच्चों को दीजिए। बिकॉज हम ही नहीं सीखेंगे, हम ही नहीं समझेंगे तो बच्चे क्या जानेंगे। वैसे ही कौन से नॉलेज हमारे लिए सही है, क्या नॉलेज फ्रीडम देती है, स्पिरिचुअलिटी का मतलब फ्रीडम है, आज़ादी, सत्य को जानने से आज़ादी मिलती है, इनर वर्ल्ड से। तो सही स्पिरिचुअलिटी को समझे, अपने लाइफ में एक्सपेरिमेंट कीजिए, इम्प्लीमेंट कीजिए, किसी की बात सुनकर नहीं, क्योंकि हमारे जो लॉजिकल माइंड है ना, इसे टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत कुछ सुनना है, टेक्निकली चाहिए क्यों होता है। हम सवाल बहुत करते हैं और ये ज़रूरी भी है, क्योंकि सवाल करेंगे तभी तो हमको सही आंसर्स मिलेंगे। तो इसलिए सवाल ज़रूर करें और आंसर्स ढूँढें, तो आपको स्पिरिचुअलिटी का सही मायने पता चल जाएगा। मुझे तो लगता है काफ़ी देर हो गए। अगर आज जो जानकारी मुझे मिली है, आज जिस तरह से मैंने एक्सपेरिमेंट करके लाइफ को आगे लेके गई, काश मुझे
15-16 साल में मिल जाते तो लाइफ और बेटर और स्मूथ हो जाते, हम वो सारे गलती ना दोहराते जो हम किए थे। तो स्पिरिचुअलिटी का मतलब है गलती ना करना, लॉ ऑफ कर्मा को प्रकृति का नियम का समझना, अपने आप को समझना, यूनिवर्स को जानना, यूनिवर्स के लॉज को जानना, ट्रुथ को जानना, सत्य को समझना। जो गलती हमने दोहराया बचपन से लेकर अब तक वो नहीं करते थे, क्लियर माइंड होता था, क्या गलत क्या सही ये समझ पाते थे, भावनाओं में बह नहीं जाते थे और सही गलत का फैसला ले सकते थे, और किसके साथ किस तरह से व्यवहार करना है, कौन सही फ्रेंड है कौन गलत फ्रेंड है, कौन फ़ायदा उठाने आ रहा है, कौन सोलमेट टाइप है कि हेल्प करेंगे, गिव एंड टेक रिलेशन भी होते हैं। तो ये सारी चीज़ें समझ में आ जाती है अगर आप स्पिरिचुअली अवेकन हो, है ना। तो हम खुद ही नहीं जानेंगे तो हमारे बच्चों को, हमारे आने वाले पीढ़ी को, आगे के जनरेशन को कैसे सिखाएंगे। इसलिए बहुत ज़रूरी है इन सारे सत्य को समझना, जानना, इल्यूशन से बाहर निकलना और गुड लाइफ खुद भी जीना, अपने परिवार की रक्षा करना और अपने बच्चों की रक्षा करना, बच्चों को अच्छी ज़िंदगी देना, बच्चों को सही समझ देना ताकि वो अपनी ज़िंदगी बहुत अच्छे से जी सके। जो गलती आपने और हमने दोहराया वो नहीं दोहराएंगे, बचपन से ही उसे सारी चीज़ें समझाया जाए। थैंक यू।